So, my first question was, I want to know from each of you what made you guys say an absolute yes to the show, starting with Sohum. मुझे तो सुभाष सर के साथ काम करना था। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। मतलब वो तो चलो जग मतलब ये जाहिर ही है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो सब लोगों को पता है। तो मुझे उनके साथ काम करना था, पर मुझे सिर्फ काम इसलिए नहीं करना था कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। एक एक होता ना आपकी दो मतलब मेरे जैसे इंसान की दोस्ती थोड़ी से कम लोगों से हो पाती है, तो मेरी उनसे एक दोस्ती हमेशा रही है। तो जब भी मैं गया हूँ तो बहुत ही वेलकमिंग रहे हैं वो। कि मैं एक फिल्म बना रहा था तो उन्होंने कहा यार थोड़े पैसे ध्यान से लगाना, ज्यादा पैसे मत लगा देना। तो वो कुछ होता है ना, आपको अच्छा लगता है घर का इंसान है, बड़े भाई जैसे। तो उनके साथ मेरा एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन था। तो डायरेक्टर तो कमाल के हैं ही, तो हर क्रिएटिव आदमी को खोज होती है कि अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे छे। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन था। तो वो एक हमेशा ड्रीम था मेरा कि मैं उनके साथ काम करूं। और सेकंड जब वो स्क्रिप्ट आई तो स्क्रिप्ट इतनी कड़क थी, तो उसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग थी, और जो कैरेक्टर था मतलब कैरेक्टर वो जो लार्जर देन लाइफ, जो हल्का सा तुम्बाड़ में ग्लिम्प्स दिखता है, अदरवाइज जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। तो वो जो होता है ना कि 70s 80s के जैसे हीरो हुआ करते थे कि बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद, वो बड़े डायलॉग, बड़ा सब कुछ, वैसा सेटअप। और एट द सेम टाइम जो फिल्म मेकिंग है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, मतलब आज की सेंसिबिलिटीज है, और उस फ्लेवर के साथ। तो वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने फट से हाँ कह दिया। मैंने कहा चलो सर ऑन। ओके, व्हाट अबाउट यू अमित? आई थिंक पहले दो फैक्टर्स तो मेरे भी एकदम सेम है, और कि जस्ट जस्ट सुभाष कपूर डूइंग इट वाज अ यस फॉर मी, बिकॉज गारंटी होती है कि मतलब कुछ कुछ फालतूगिरी नहीं होगी, अच्छा ही होगा कुछ जो भी होगा। और सुभाष सुभाष जी और मैं वी गो वे बैक, और बहुत सालों से जानते हैं। जब सुभाष सुभाष जी खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक इन रोड्स इन टू द इंडस्ट्री, और तब से हमारा है, और तब से हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और वो अच्छे राइटर डायरेक्टर तो है ही, बट बहुत अच्छे इंसान है वो। जैसे सोहम ने बोला कि बड़े भाई जैसा, वैसे एग्जैक्टली मेरे को उनके लिए फीलिंग आती है। और आई थिंक हम दोनों का आई थिंक सिमिलर ही होता है। एक्चुअली किस्सा ये है कि मैं कुछ और काम कर रहा था और कुछ डेट्स नहीं थी मेरे पास काम करने के लिए इस वाले शो में। तो मैं एक्चुअली काठमांडू कनेक्शन शूट कर रहा था, वो काठमांडू कनेक्शन किसी वजह से डिले हो गया। तो जैसे ही डिले हुआ तो वो अपने आप ही दरवाजे खुल गए। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं कूद गया महारानी में। तो मैं एक्चुअली महारानी और काठमांडू कनेक्शन के बीच में जगल कर रहा था। लाइक काठमांडू कनेक्शन वॉज जस्ट अबाउट टू फिनिश, महारानी वॉज जस्ट स्टार्टिंग, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और फिर जब मैंने जब मुझे एज सोहम सेड, जब मुझे बाइबल मिली, राइट, जो सारा लिटरेचर था शो का, इट वॉज इम्पेकेबल, डेप्थफुल, फुल ऑफ फ्लेयर, और कमाल कमाल की लाइंस, डायलॉग बाजी, और इतना लेयर्ड कैरेक्टराइजेशन सबका। तो आई थिंक इट वॉज अ कंप्लीट कंप्लीटली ब्यूटिफुल पैकेज विच आई डोंट थिंक एनीबडी कैन सो नो। दैट्स ट्रू. सो सिंस दिस इज अ पोलिटिकल ड्रामा एंड मेनी पीपल हैव स्टेटेड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, रियल लाइफ इवेंट से काफी इंस्पायर्ड है. सो इज देर अ प्रेशर कि एकदम अक्यूरेट बनाना है, बिकॉज दिस इज अ पोलिटिकल ड्रामा एंड इंडिया इज अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल कंट्री वेन इट कम्स. सो व्हाइल क्रिएटिंग अ शो लाइक दैट, वॉज देर दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर कि इट नीड्स टू बी अक्यूरेट? नहीं, पहली बात तो आई थिंक फिक्शनली है कहानी, तो कहानी तो फिक्शनल है। वो आप जब देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि वो फिक्शनल है। बट हमारा इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड कंट्री है, जस्ट लाइक वी आर चार्ज्ड विद क्रिकेट एवरी टाइम इट्स ऑन द स्क्रीन, तो वैसे ही पॉलिटिक्स भी है। तो वो पॉलिटिक्स में आप तो फिर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस ढूंढ ही लोगे अगर आप देखोगे एज अ व्यूअर, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। बट मुझे एज एन एक्टर, मैं अपने ऊपर ये सब प्रेशर लेता ही नहीं यार। मुझे मेरे को मेरा बस चले तो मैं जितने भी रंग हैं दुनिया में और लोगों के अंदर, वो सारे मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो मैं ये प्रेशर लेता नहीं हूँ। पब्लिक कुछ ओपिनियन पास करती है तो वो उनका हक है, उतरेगी। और जिन कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो मैं पर्सनली तो इतना प्रेशर नहीं लेता उन सब चीजों का। व्हाट अबाउट यू सोहम? मतलब मेरे लिए तो ये था कि जैसे हम इतने सही कहा कि वो प्रेशर का तो
कुछ मतलब है ही नहीं, और अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो प्रेशर लू, मैं जब प्रोड्यूसर वाली उसमें हूं तो मैं प्रोड्यूसर। हमारे लिए तो सुभाष कपूर सर थे, करण था, और वो कहते थे ये कर दो तुम, वो कर देते थे ये कर, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे है ही नहीं। जैसे घर में आपके कोई बड़ा होता है ना तो आपके कंधे पे नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम है खाओ पियो ऐश करो, आपका काम है सेट पर आओ सीन करो वापस चले जाओ, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर थी। तो हम पर कभी भी वो प्रेशर तो मतलब फील होने, मतलब आपने कहा तो ऐसा समझ में आएगा, ऐसा प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि तो हमारे तो दिमाग में भी नहीं ऐसा कुछ प्रेशर है। हमारे लिए तो वो पार्टी थी, मतलब वेकेशंस थे कि टाइम पास हो रहा है, मिल रहे हैं, गप्पे चल रही है, शूट के बाद मिल रहे हैं, बातें हो रही है। बड़े भाई हैं सुभाष सर, वो देखेंगे ना, उनका काम है, हमें क्या प्रेशर। दैट्स नाइस। सो सोहम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फॉर यू। एंड जैसे कि आपने खुद कहा कि यू नो यू हैव प्लेड अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, और आप काफी अनरिकॉग्नाइजेबल लगते हो एक एक कैरेक्टर में, एंड यू नो आई कैन आल्सो से दैट यू नो यू आर ग्रोइंग एज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड नॉट जस्ट बॉलीवुड। सो यू नो आर यू रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ स्क्रिप्ट, कि नहीं मुझे ये किरदार नहीं निभाना है, कुछ और ट्राई करना है ताकि मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊं? सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने कहे, आपने दिन बना दिया मेरा। तो और नहीं, ऐसा नहीं है यार कि डेफिनेटली आपको कुछ एक टाइम है जिसके एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप कोई भी काम करते हो तो आप ये तो कैलकुलेट करते हो कि मुझे मजा आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे जो चीज मेरे दिल को नहीं छूती वो मैं नहीं करता, और जो मेरे दिल को छूती है वो कितना भी कठिन रास्ता हो मैं करता हूँ, चाहे वो तुम्बाड़ थी चाहे वो शिफ्ट थी। पर मेरे केस में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मैं एनएसडी से नहीं हूँ, एफटीआई से नहीं हूँ, मैंने थिएटर नहीं किया, तो मुझे काम मिलने में ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि ये कर लेगा क्या, एक्टिंग कर लेगा क्या, क्या पता इसने खुद की फिल्में बनाई है, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो फिल्में की हैं शिप ऑफ थीसिस तुम्बाड़, उनको कोई रेफरेंस नहीं है, उनको आप टाइपकास्ट कर ही नहीं सकते, मतलब अलग से अतरंगी कैरेक्टर है, मतलब वो फिट ही नहीं होता, तो ये एक बात है। तीसरी बात ये कि आप लोगों को लगता है कि प्रोड्यूसर है और फिल्में भी बड़ी अलग बनाई है, पता नहीं बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, बहुत ही सीरियस टाइप का आदमी होगा, ये करेगा नहीं करेगा, डिसिप्लिन होगा नहीं होगा, टाइम पर आएगा नहीं आएगा। तो मुझे इन सब चीजों की वजह से मेरी पॉसिबिलिटी कोई काम मिलने की भी बहुत कम रह जाती है। कि जैसे सुभाष सर से मेरी रिलेशनशिप थी, उन्होंने मुझे कास्ट किया, हंसल सर से मेरी एक रिलेशनशिप थी कि उन्होंने मुझे शिप ऑफ थीसिस देखी थी, हम साथ टोरंटो में थे, फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, उस समय उनकी शाहिद आई थी, उनके साथ एक रिलेशनशिप थी, तो सिमरन बना रहे थे, उन्होंने कास्ट किया। दिवाकर को मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने शिप ऑफ थीसिस देखी, वो व्योमकेश बख्शी बना रहे थे तो उनके लिए उन्होंने कुछ ऑडिशन किया बख्शी के लिए, तो वो हुआ नहीं, पर हनी ने ऑडिशन देखा और उन्होंने मुझे तलवार दे दी। तो मुझे जो काम मिला है वो मतलब बहुत ऐसा काम नहीं मिला कि जो लोग मुझे जानते नहीं है और मुझे काम मिला। तो ये एक मेरे लिए प्रॉब्लम रही है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत चीजें रिजेक्ट करता हूँ, हाँ, पर डेफिनेटली मैं काम तो वो चूज करता हूँ जिसको मुझे लगे कि यार मुझे मजा आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि यार मेरे दिल को छूना चाहिए, फिर वो रास्ता कितना कठिन हो कितना आसान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ, दैट्स इंस्पायरिंग। एंड अमित जी, आपके बारे में भी मुझे ऐसा ही कुछ बोलना है, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग यू इन इनसाइड एज आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरे बारे में बोलना ही पड़ेगा, अभी इसकी इतनी तारीफ कर दी तुमने। मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। मुझे भूख लग रही, मैं नहीं करता इंटरव्यू। No, I just wanted to know from Amit too, you know, because after watching you in Inside Edge, I became a huge fan of your work, you know, and you know, with Inside Edge, then Jamtara and such OTT shows, I can say you have cemented your position as a star in OTT, you know, such diverse roles, in-depth acting, like, पहचान में नहीं आते हो कि आप एक्टर हो, आप वो कैरेक्टर हो। सबसे पहला इंटरव्यू यही होना चाहिए था, ये इतनी देर के बाद क्यों आई है यार। बोल आदिति, बोल तू आज, बोल। सो यू नो हाउ आर यू लुकिंग एट इट, आर यू बीइंग चूजी अबाउट स्क्रिप्ट्स टू? यार मैं ना जब मेरे को डेब्यू फिल्म मिली थी ना, फिर वो उसमें हीरो था मैं, महिमा जी हीरोइन थी, अनुपम खेर साहब थे, तो वो फिल्म 35-40 दिन में खत्म हो गई। न्यूयॉर्क में शूट करने गया मैं, मेरी पहली फिल्म, और डॉलर में पैसे मिले। बहुत बहुत कम मिले लेकिन डॉलर मिले थे। तो मैंने कहा ये तो मतलब अराइव्ड वाला मामला हो गया ये, तो मैं आप पहुंच गया मैं।
उसके बाद मैंने बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाई, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर उसके बाद भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है लट पड़ा है तो अक्कल थोड़ी ठिकाने आ गई मेरी। तो मैं तब से कसम खा ली थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जो जो मिल रहा है करो उसको। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा ये जरूर हो गया है कि अब जैसे मैं 3-4 बार पुलिस वाला प्ले कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई पुलिस पुलिस की वर्दी की पुलिस की वर्दी में ये आदमी कैसे जचेगा वो नहीं करना है, वो आदमी क्या है वो करना है। लेकिन आप क्या है कि राइटिंग भी एग्जॉस्ट हो जाती है ना एक पॉइंट इन टाइम के बाद, कि राइटर भी बेचारे क्या लिख देंगे और, है ना। हाँ। तो अभी जैसे पुलिस का कुछ काम आता है तो मैं पहले हाथ जोड़ देता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा भाई प्लीज। और पुलिस हो गया, सोहम ने तो अभी, सोहम ने अभी तक पुलिस वाला नहीं किया ना। No, मैंने कर लिया फॉलन में, पहली बार वर्दी पहनी है मैंने, तो मुझे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने पुलिस वाला किया है भैया, मैंने वर्दी पहनी है, उसका भी एक अलग फील होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है फील, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। और मेरा अभी मुझे ऐसा अंदर से लगने लग गया कि बहुत ज्यादा इंटेंस इंटेंस इंटेंस, तो मुझे ना अपनी और अलग भी जो साइड है वो भी दिखानी है लोगों को, तो मैं थोड़ा ये बैरियर तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ आजकल। हो जाऊंगा सक्सेसफुल, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा समझ में लोगों को। That's inspiring again. So, you know, Amit, you have done a lot of various odd jobs and aapka ek takeaway bhi tha shayad. You were sharing somewhere earlier that you had a small takeaway. Yeah, yeah. So from there to being one of the most sorted actors right now, are you happy how things are shaping up for you in the industry? Definitely. It's the best feeling in the world when you realize a position in your life where you are getting paid for something that you really love doing. Mm-hmm. And now, like, you don't have to worry about basic creature comforts, and that is taken care of. So now you can sort of, you know, go into the other phase of your life where it's more about seeking, evolving, and, you know, and honing your craft. Like, you can focus on those parts rather than, you know, worrying about your daily bread and butter and stuff like that. So yeah, it's a very comfortable position to be in, but I am wary of the fact that nothing is permanent. So I need to be really hardworking and honest towards my work. Mm-hmm. So aapne takeaway shop kyun khola tha, by the way? Like, what was the inspiration behind it? Yaar, maine koi inspiration nahi tha. पेट था इंस्पिरेशन और पेट की भूख तो वो इसलिए खोला था क्योंकि एक नौकरी कर रहा था दिल्ली में, फिर वापस थिएटर का चस्का लग गया, तो थिएटर करने लग गया, फिर नौकरी में मन नहीं लगने लग रहा था, तो मैंने कहा यार मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से नहीं होगा अभी ये। तो फिर मैंने दिमाग लड़ाया कि और क्या कर सकता हूँ मैं साइड बिजनेस में, तो एक और मेरा दोस्त ऑफिस में ही, वो भी बड़ा परेशान था नौकरी कर करके, उसको भी अपना काम खोलना था, तो हम दोनों ने अपने जो भी छोटे मोटे रिसोर्सेस थे वो पूल किए, एक जगह देखी, वहां पे टेक अवे खोला, पार्टनर बन गए। तो मैं दिन में मैं देखता था, शाम को वो देखता था, शाम को क्योंकि मेरे रिहर्सल्स पे चला जाता था। और ये इंस्पिरेशन था, मेन अंदर से यही था कि भाई कम से कम आऊंगा रात में तो खाना खाने को मिलेगा ना ये था इंस्पिरेशन so, बस वो भी बंद हो गया आदित्य वो भी जल्दी बंद हो गया। So, you know, Soham, you have been around since a long time here, but you know, ये जो recognition और visibility जो आपको मिली है, उसके लिए काफी time लग गया आपको. So, you know, how did you stay patient all this while? मतलब पहली बात ये कि मुझे लगता है कि देर आना चाहिए पर दुरुस्त आना चाहिए, और patience तो यही है कि यार आपके पास कोई opportunity नहीं होती है, एक time ऐसा होता है कि आपको लगता है कि करना तो यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो यही, आपके अंदर से चाहते यही। जैसे तुम्बाड़ का जो टाइम था, 7 साल लगे फिल्म बनाने में, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि आ क्यों नहीं गई तुम्बाड़। मतलब ऐसे शुरू हुई थी कि 2012 में मैं शूट शुरू किया था, और प्लान ये था कि 2013 में रिलीज हो जाएगी ये फिल्म, और वो फिल्म में कुछ मज़ा नहीं आया, तो हमने दोबारा बनाई तो, पर अंदर से ना कहीं शायद, अभी हमें कुछ इंटरव्यू में बात कर रहे थे, अमित बोल रहा था कि इट्स लाइक थेरेपी, एक्टिंग इज लाइक थेरेपी, ये प्रोफेशन जो थेरेपी जैसा है, तो आपके डीप डाउन कुछ होता है, मुझे लगता है आपके अंदर जो आपको चाहिए होता है उसको आप, मतलब
ये बहुत ही ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है, बहुत इसको डिकंस्ट्रक्ट भी आप नहीं कर सकते कि क्या होता है, क्योंकि ड्राइव होती है, मतलब मेरे पास तो इतने ऑप्शन थे कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँ, कि मेरा एक सेट बिजनेस है जहाँ सब कुछ सही चल रहा है, मेरा ब्रेड एंड बटर वहाँ से आता है, ऐसा नहीं कि मैं इस पर रिलाय करता हूँ, पर फिर भी आपके अंदर एक वो ड्राइव होती है कि नहीं करेक्ट रास्ता तो यही है, तो वो होता है। पर इन दी एंड मुझे मैं मेरे 10 साल का करियर देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस करता है, मुझे फील होता है, तो मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ सिनेमा से कोई सरोकार नहीं है। ये मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको कि हम लोग मनाली घूमने गए हुए थे, हम 7-8 दोस्त थे, तो उस समय एक टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी गुरेशा कपूर, वो बहुत फेमस होती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो मॉल रोड पर शॉपिंग करती थी, मैंने देखा, मेरे फ्रेंड ने देखा, मैंने कहा यार गुरेशा कपूर, उसने कहा हाँ यार, तो हमने ऑटोग्राफ लिया, तो इतने में भीड़ इकट्ठी होगी तो वो ऑटो से बैठ के निकल गए, मनाली 2 पार्ट में, एक मतलब ब्रिज के उधर एक उधर, तो हमने अपना ऑटो उनके पीछे लगा और उनके होटल जा पहुंचे, और हमने कहा जी हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, राजस्थान से आए हैं, और जिसने भाई ने बात की ऊपर उसने कहा कि आपके बहुत बड़े पुराने दोस्त हैं दूर से आए हैं, तो वो फटाफट दौड़ के आई, तो मैंने ऑटोग्राफ लिया, वो वहाँ वैसे दुनिया से मैं आता हूँ तो वहाँ से बहुत दूर लगता था बॉम्बे, उसके बाद आना, और 2 ऐसी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की जिनको बहुत प्यार मिला, शिखर किशिश तुम्बाड, इरफान खान साहब के साथ काम कर लिया, कंगना के साथ काम कर लिया, जब आप एक प्रोसेस में होते हो तो फ्रस्ट्रेशन फील होता है, अभी वो प्रोसेस कहीं ना कहीं खत्म हो गया, जैसे हमने कहा थोड़ा सा लोग जाने लगे हैं, काम मिलने लगा है, जैसे मैंने पहले कहा था काम मिलता नहीं था, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा हुआ है, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी लगती है, जब आप प्रोसेस में तो आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, जब निकल जाए तो आपको लगता है कि यार जो हुआ सही हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, कि जो खराब टाइम होता है, जो स्ट्रगल होता है, सही लर्निंग तो वही होती है, अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस आउट, यू नो, बिकॉज काफी एक्टर्स, काफी एस्पायरिंग एक्टर्स भी यही चीज से गुजरते हैं, सो यू नो हूएवर इज वॉचिंग दिस दे'ड गेट एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव दैट वे। एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है, क्यों ना, जैसे कि सोहम ने अपना एक रखा है कुछ, एक अपना बिजनेस सेटअप किया, फिर वो डैबल करता रहा, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब छोड़ दिया उसने कुछ, अगर आप कुछ और कर सकते हो साथ में तो जरूर करना चाहिए। हाँ। और अपना एक रियलिटी चेक भी रखना चाहिए कि भाई कि मतलब जैसे मुझे मुझे ऐसा आइडिया कि मैं टेक अवे खोल लेता हूँ तो कम से कम 10-15-20 हजार रुपए महीने के आ जाएंगे, खाने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो आप, मतलब क्योंकि अगर आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे तो उसमें बहुत सारे चांसेस है कि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि आप हार ही मान लो। To keep yourself occupied, keep yourself busy, because when you're not working as actors, आपके हाथ में बहुत time होता है और बहुत सारी चीजें करने की, तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। So you know, since both of you actors are somewhere special for this industry because of the kind of work that you both have chosen to be a part of, so you know there must be something which really inspires you about this industry. So you know, what would that be? Starting with Amit. यार एक वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतना मतलब 30 साल की उम्र तक मैं एकदम लॉस्ट था, वो टेक अवे छोड़ने से लेके मुंबई आने तक एकदम लॉस्ट था, मैं बहुत सारे चीजें ट्राई कर चुका था, बहुत सारे काम ट्राई कर चुका था, वो आई थिंक एक अपना एक पर्सनालिटी टाइप भी होता है, जैसे जब मैं सोहम सिद्ध को जितना आप जाने लग गया हूँ तो वो हम दोनों का काफी सिमिलर है कि वो एक कुछ कुछ जो है ना कुछ 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 अंदर जुड़ नहीं रहा है, यू नो, वो सिर्फ वो एक्टिंग करने से ही जुड़ रहा था वो, तो एक जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे दिमाग में सिर्फ यही आया कि अब मैं ये छोड़ूंगा ही नहीं, अब मैं यही करूंगा क्योंकि खुशी इसी में मिल रही है मुझे, तो आई थिंक वो क्लिक कर गया। उसके बाद बहुत स्ट्रेशन और बहुत टाइम और ये वो डिप्रेशन फलाना ढिमकाना, बट वो फिर क्योंकि वो एक्चुअली में कुछ मिल गया था ना, तो वो हाथ से गए नहीं कभी, तो उसमें आपका अपने आप क्राफ्ट भी बढ़ता रहा, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी जुड़ते रहे, आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक एक कदम करके आगे भी बढ़ते रहे। हाँ। तो आई थिंक वो बड़े आई थिंक वी बोथ आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फाउंड दैट, नॉट मेनी पीपल फाइंड दैट, सो इट्स अबाउट आई थिंक इट्स अबाउट डेस्टिनी आल्सो। व्हाट अबाउट यू सोहम?
मतलब मेरे लिए ये कि ये नहीं करूं तो क्या करूं, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। स्ट्रगल के दिन होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन के दिन होते हैं। जैसे कि मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी, मैं इमोशनली थोड़ा सा बॉम्बे में अकेलापन मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं मेरे 20s में बॉम्बे नहीं है, फैमिली फ्रेंड सिस्टम सब यही। तो पर मुझे लगता है कि ये नहीं करूं तो क्या करूं, मतलब पैसे मैंने ठीक ठाक से कमा लिए, तो पैसों की ऐसी कोई लालसा नहीं है कि पैसों के लिए कुछ करूं। तो जीने के लिए कुछ तो करना है, जीना है तो कुछ तो काम करना होगा। और इस काम से खूबसूरत मुझे कोई काम लगता नहीं है कि आप अलग अलग किरदार निभाते हो, अलग अलग साइकोलॉजी समझते हो, लाइफ को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। तो ये आपको थोड़ा सा लाइफ को और अच्छे से समझाने का प्रोफेशन है, जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, लोग भी देखते हैं, वाहवाही भी हो जाती है, कभी झूठे भी पड़ जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये, और एक अंदर से शायद बात होती है, मुझे लगता है ड्राइव होती है कि यू वांट टू एक्सप्लोर एंड यू वांट टू एक्सप्रेस। तो मुझे लगता है कि यही है इसका रीजन जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। जब इरफान साहब जैसे एक्टर का काम देखते हो या सीजी या दूसरे एक्टर से काम, तो थोड़ा सा चैलेंज लगता है कि हाँ, जैसे मैं जो मेरे बिजनेस में था वहां मैं शॉर्ट कर लिया था, मैं मतलब जीत गया था वो, कि हाँ ये ऐसे 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 प्रोजेक्ट तो ये हो जाएगा। तो यहाँ वो लगता है कि चैलेंज नहीं है कि यार वहां पहुंचे यार, वो कैसे किया, ये कैसे किया। तो वो आप रोजाना उठाता है और कुछ करने का वो अंदर से जज्बा मुझे लगता है कि ज्यादा। Thank you so much for, you know, again putting this out. And Amit and Soham, thank you so much for taking out the time and doing this with me. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। सो ऑल द बेस्ट. आई रियली लुक हैविंग मोर कॉन्वर्सेशन विद यू एंड गुड लक. प्लीज वॉच आवर थैंक यू। शोज, प्लीज वॉच आवर शोज। मैं बताना आपको कैसे लगे, जूते मारने का मन करे तो जूते मारना, और तारीफ करने का मन करे तो तारीफ तारीफ हो तो मुझे भेज देना, जूते हो तो अमित को भेज देना। ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय। ओके, बाय, थैंक यू।